मुझे ये लग रहा है कि आवाज़ की दुनिया के सितारे रेडियो की दुनिया के वो सितारे जिनके चेहरे बेशक लोग ना पहचानते हो आज से पहचानने भी लगेंगे क्योंकि आप आज तक के मंच पर हैं मतलब तो, मैं यही बोलूंगा कि अब तक सिर्फ आवाज सुनी थी आज देखने के बाद आप लोगों को बता रहा चला होगा कि कितना हैंडसम हूं मैं सो थैंक यू शुक्रिया सॉरी थैंक यू नहीं बोलना मुझे हमको जितना कम है उतना कम इंग्लिश बोलना ना हिंदी ऐसा नहीं है ना ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैंने हिंदी भवन फोन लगाया था हिंदी उत्सव के सॉरी uh, uh, हिंदी पखवाड़े के दिन तो uh, मैं सिर्फ ये काउंट करने के लिए उनको फोन लगाया कि देखते हैं कितनी बारी हिंदी भवन वाले हिंदी में बात करते हैं सो so, फोन उठाते ही मैंने बोला उनके सामने से हेलो मेरी काउंटिंग चालू हुई वन uh, ये हिंदी भवन है यस टू सर हैप्पी हिंदी डे सेम टू यू थ्री सर तो so, आज का क्या प्लान है प्लानिंग नथिंग स्पेशल वही है रेगुलर पाँच छः सात तो मैं सर एक सवाल पूछना था प्लीज आठ सर सतहत्तर अठहत्तर उनहत्तर में क्या बढ़ा है उनहत्तर सर एक बार उनहत्तर से काउंट करिए उनहत्तर सत्तर इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर <laughs> अरे आई एम सॉरी मैं बोला बारह थैंक यू वेरी मच अच्छा मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से आप रेडियो पर शुरुआत करते हैं और आपके कहने के साथ ही बाकी लोगों के दिन की भी शुरुआत होती है मॉर्निंग शो में एक बार वो अंदाज हो जाए जरा हाँ जो वो तो नॉर्मली होता है सुपर हिट्स 93.5 थ्री एम पर मैं हूँ आरजे रौनक और आप सुन रहे हैं शो मॉर्निंग नंबर वन और मेरे साथ अभी आएगा रुकना <laughs> ये ये बहुत बहुत गलत चीज़ है ये मतलब मुझे मुझे अंदर से अन्ना हजारे जैसी फीलिंग आती है क्योंकि मैं रौनक मुझसे निकला बहुआ अन्ना अन्ना से निकला अरविंद केजरीवाल <laughs> फेमस हो गया बहुआ ज्यादा सो so, बट कोई बात नहीं हाँ बजाए बहुत मच्छे हैं तालियां बजाते रहिए मैं बीच बीच में आऊंगा लेकिन पहले लेडीज से शुरू कर वॉइस ऑफ ड्रीम्स साइमा साइमा की एक हंसी पर कितने दिल कुर्बान होते हैं इसकी कहानी हम थोड़ी देर पहले सुन के आ रहे हैं सबसे पहले आपको जितनी खुशी है हमें देख के ये तो मुझे नहीं पता लेकिन आपको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जिस जिस दिल से हर रात मैं बात करती हूँ उस दिल का चेहरा इतना ख़ूबसूरत है हर एक चेहरा जो यहाँ पे बैठा है उसका कितना प्यारा दिल है उसको महसूस करती हूँ हर रात लेकिन आपसे एक माफ़ी भी मांगना चाहूँगी क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि रेडियो जॉकीज़ जो होते हैं वो सबसे बड़े शॉक्स होते हैं क्योंकि जब वो रेडियो पे सुनाई देते हैं तो ऐसा लगता है कि कटरीना कैफ़ निकल के आएगी और मधुबाला निकल के आएगी और निकल के आती हैं सायमा तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी लेकिन आपसे मिल के यहाँ पर आज तक की बहुत बड़ी शुक्रगुजार गुज़ार हूँ कि हमें मिलने का एक मौका मिला रूबरू होने का मौका मिला मैं आपको देख सकती हूँ आप मुझे देख सकते हैं हालाँकि